आशिकी नंबर दो, मेरा विवान और रोमांस। आशिकी के इस मौसम में कब के पिछड़े हुए मीरा और विवान भी आज आ मिले हैं और चल रहा है दोनों के बीच नशीला रोमांस। भाई असल में विवान अपना गम गलत करने के लिए शराब का सहारा ले रहे थे और ऐसे में उन्हें समझाने के लिए पहुंच गई मीरा, लेकिन जब विवान ने मीरा की बात नहीं सुनी तो गुस्से में वो भी विवान की तरह मदहोश हो गई। बस फिर क्या था, शुरू हो गया मियां बीवी के बीच मदहोशी वाला रोमांस। क्योंकि बहुत टाइम से विवान तो बोल रहा था पर मीरा नहीं बोल रही थी, क्योंकि कभी पापा का प्रॉब्लम कभी कुछ, तो उसने फाइनली सब बोल दिया कि इतने सारे प्रॉब्लम के बावजूद मैं तुझसे प्यार करती हूँ। भाई आपके इसी प्यार का फायदा तो सिल्की मैडम उठा रही है मीरा, जिन्होंने आपके जाने के बाद ले लिया आपकी जगह। और अब जब विवान की आँख खुली तो देखिए कैसे उन्हें अपनी बातों के झांसे में फंसा रही हैं और उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि विवान ने रात मीरा के नहीं बल्कि उनके साथ बिताई। और जब विवान ने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने शुरू कर दिया ये सुसाइड ड्रामा। फुल ऑन ड्रामा चल रहा है क्योंकि पूरी फैमिली को लगना चाहिए कि मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, सच में विवान ने मेरे साथ गलत किया है। तो दैट इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये ड्रीम था, ये रियलिटी थी, सिल्की के साथ हुआ है या मीरा के साथ हुआ है, तो दैट इज गोना बी द बिग ट्विस्ट एंड व्हिच इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। भाई ये सारा प्लान सिल्की और उसकी माँ का है, क्योंकि वो जानते हैं कि मीरा अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी, क्योंकि ऐसा करने से उसके पापा का दिल जो दुखेगा। और इसी बात का फायदा उठाकर अब सिल्की की माँ चाहती है कि विवान का जुड़ जाए सिल्की से रिश्ता। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई वो अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएंगी। आज तक ब्यूरो।